हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं जो लेसन नंबर 3 था उसका सेकंड पार्ट स्वयंबर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट को स्टडी कर लिया था, तो गिटार प्लेयर स्वयंबर को स्टडी करते हैं आज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट व्हिसलिंग। एक बार एक छोटी राजकुमारी थी जो सीटी बजाने में बहुत ही अच्छी थी, उसको बड़े अच्छे से सीटी बजानी आती थी। डोंट व्हिसल, सीटी मत बजाओ, सेड हर मदर, उसकी मम्मा बोलती हैं, उसकी मम्मा कहती हैं उसको डोंट व्हिसल, सीटी मत बजाओ, सेड हर फादर, उसके पापा भी बोलते हैं। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट, लेकिन बच्ची थी जो प्रिंसेस थी वो सीटी बजाने में बहुत अच्छी थी। एंड वेंट ऑन व्हिसलिंग, और फिर से वह सीटी बजाना अब जारी रखती है। ईयर्स वेंट बाय एंड सी बिकम ए वोमैन, कुछ साल बीत गए और अब वो एक औरत बन गई। बाय दिस टाइम सी व्हिसल्ड ब्यूटीफुली, और अभी भी वो बड़े अच्छे से सीटी बजा लेती थी बड़ी खूबसूरत तरीके से। हर पेरेंट्स ग्रेव्ड, उसके माता पिता चिंतित थे। वॉट मैन विल मैरी ए व्हिसलिंग वोमैन, कि कौन आदमी उससे शादी करेगा जो लड़की सीटी बजाती हो, जो औरत सीटी बजाती हो। सेड हर मदर डोफुली, उसकी माता थोड़ी सी दुखी होकर कहती हैं। वेल ठीक है, सेड हर फादर, उसके पापा कहते हैं वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, मैं अपना आधा साम्राज्य उसको तोहफे में दे दूँगा। एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट व्हिसलिंग, जो भी आदमी मेरी बेटी को, जो मेरी प्रिंसेस है उसको, उससे शादी करेगा और उसको हरा देगा सिटी बजाने में, उसी से मेरी बेटी शादी करेगी और उसी को मैं अपना आधा जो साम्राज्य उसको तोहफे में दे दूंगा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, और जो राजा का जो ऑफर था, राजा की जो घोषणा थी उसको पूरे राज्य में फैला दिया गया। एंड सून द प्लेस वाज जैम्ड विद शूटर्स व्हिसलिंग, और थोड़े ही समय में जो जगह थी वो बिल्कुल जो सीटी बजाने वाले थे उनसे भर गई थी। इट वॉज़ वेरी नोइजी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था। मोस्ट वर ट्रिबल एंड फ्यू वर गुड, उनमें से बहुत सारे भयानक थे और कुछ अच्छे भी थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम ईजली, लेकिन प्रिंसेस उन सभी से अच्छी थी और उन सभी को हरा दिया था आराम से। द किंग वॉज डिसप्लेस्ड, जो राजा था वो बहुत दुखी था। बट द प्रिंसेस सैड, लेकिन जो राजकुमारी थी वो कहती हैं नेवर माइंड, आप चिंता मत करो फादर पापा, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझे एक इनका टेस्ट लेने दो। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, हो सकता है कि इनमें से कोई शायद अच्छा निकल आए। देन सी टर्न टू द शूटर्स, फिर वो शूटर्स की तरफ मुड़ती है। डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से हरा दिया गया है। नो नहीं, दे ऑल रोड, वो सारे चिल्लाते हैं। रोड का मीनिंग होता है, दहाड़ना, वो सभी एक साथ चिल्लाते हैं। ऑल एक्सेप्ट वन, उन सभी में से किसी एक को छोड़कर। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, हो सकता है कि कुछ मैजिक हो या फिर चालबाजी हो। बट वन सेड, परंतु जो एक था वो कहता है यस यस हाँ हाँ, ही सेड, वह कहता है आई वॉज बीटन फेयरली, मुझे अच्छे तरीके से हरा दिया गया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड, जो प्रिंसेस है वो उसकी तरफ मुस्कुराती है। एंड टर्न टू हर फादर, अपने पापा की तरफ मुड़ती है। सी पॉइंटिंग टू दिस मैन, और वो उस आदमी की तरफ इशारा करती है। इफ़ ही विल हैव मी सी सेड, अगर यह मुझसे शादी करता है सी सेड, वह कहती है आई विल मैरी हिम, तो मैं भी उससे शादी कर लूँगी। सो थैंक यू वेरी